हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं बंजारा बैग, जो कि हम बनाने वाले हैं जूट से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है जूट, और इसके बाद मैं ले लेती हूँ डेकोरेशन का सामान। तो मैंने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लिए हैं मिरर्स एंड रिंग। आप चाहें तो कलरफुल रिंग भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिंक कलर के रिंग लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ऊन, और मैं यहाँ पे ऊन काफ़ी सारे कलर की लगाने वाली हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पे गत्ता लेते हैं, और गत्ते को हम इस तरीके से स्क्वायर शेप में काटने वाले हैं। देखिए, और मैं ये 6 या फिर 5 आप काट सकते हैं, गत्ते के स्क्वायर काट सकते हैं इसी तरीके से। और उसके बाद अब हम करने वाले हैं, देखिए, इनको डेकोरेट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है कपड़ा, जो कि ये देखिए बहुत खूबसूरत सा कपड़ा था ये, तो मैं इससे इसको करने वाली हूँ कवर। तो ये मेरे पास था बनारसी कपड़ा जो कि बचा हुआ था। अब इसके बाद इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। और इस तरीके से अब हम यहाँ पे काटने वाले हैं बैग का शेप, इसको देने वाले हैं हम जूट के कपड़े को। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से काट लेंगे। और ये देखिए, और ये कट चुका है। तो अब हम काट रहे हैं इसकी लाइनिंग, जो कि जूट के, जो हमने जूट काट लिया उसके नीचे ही रख के इसको काटना है उसी शेप में। और देखिए, ये मैंने कॉटन की लाइनिंग लगानी है। उसके बाद तो देखिए ये कट रहा है। और लीजिए, ये हमने डेकोरेट कर लिए हैं, मैंने इस पर मिरर वर्क कर दिया है और इसकी डोरी भी बना दी है। तो चलिए अब चलते हैं सिलाई की तरफ। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसको मिरर से डेकोरेट किया है, और ये जो ऊन है इसको हमने मशीन से ही लगाई है, ये डिज़ाइन दे दिया है। इसके बाद मैंने इसके स्टेप पे भी मिरर वर्क किया है, मतलब मैंने इसको चिपकाया है मिरर को। और इसके बाद यहाँ पे ये हमने डोरी थी, ये हम साइड से लटका रहे हैं इस तरीके से, और अभी ये थोड़ा रह गया है, और इसको अभी और डेकोरेट करके हम आपको दिखाते हैं। तो लीजिए, तैयार हो चुका है हमारा जूट बैग, या फिर आप जूट बर्ड्स भी बोल सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।